हेलो जी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई लद्दाख से वापस आए, ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए। ना तो कोई वीडियो बनाने का मन करा, ना गाड़ी में बैठने का मन करा। आज वीडियो बना रहा हूँ। अभी जिम करके आया था, टाइम दिखाता हूँ आपको। सो 6:44 हो रहे हैं सुबह के। अभी जिम आया हुआ था मैं अपने, आज सुबह आया। यूजुअली मैं दिन में आता हूँ, रीज़न ये था क्योंकि आज भाई गुड़गांव जाना है, गाड़ी का काम करवाना है। कुछ चीज़ें थी जो ट्रिप पे मेरे को महसूस हुई गाड़ी में होनी चाहिए थी, सिर्फ अलाइनमेंट का इशू है थोड़ा। एक तो वो चेक करवाएंगे, ट्रिप से पहले मैंने थोड़ी जल्दबाजी में अलाइनमेंट करवाई थी गाड़ी की, तो आज एक तो वो रेक्टिफाई करवानी है। एक हमने एयर फिल्टर ऑर्डर किया हुआ था भाई BMC का गुड़गांव, वो काफ़ी टाइम से आया हुआ है। मेरे को ले जाना तो ट्रिप से पहले था, बट मैं वो भी ले जा नहीं पाया, तो वो लेंगे। और कुछ मूड कर गया तो भाई वो भी देख लेंगे। सो चलते हैं गुड़गांव। यहाँ से अभी लगेगा हमें 2.5 घंटे एटलीस्ट। वर्कआउट हो गया अपना, वर्कआउट भाई ट्रिप के चक्कर में और वीडियोस के चक्कर में पिछले एक दो महीने से ना यार एक्सरसाइज अपनी बड़ी ढीली चल रही थी। तो मेरा तो भाई यही आपको सलाह है, गाड़ी घोड़ा आता रहेगा, शरीर अच्छा होगा, जब ये गाड़ी घोड़े भी अच्छे लगेंगे तो भाई शरीर पर ध्यान दो। अब हम भी वही देंगे, अब से भाई थोड़ा सोशल मीडिया पर एक्टिविटी कम हो जाएगी, बाकी सोशल मीडियाज पे। मैं आई एम थिंकिंग टू डीएक्टिवेट माई इंस्टाग्राम, ताकि एक ही चीज़ पे फोकस कर सकूं। यूट्यूब पे हम एक्टिव रहेंगे, बाकी ये फेसबुक इंस्टा सब बंद कर दूंगा मैं। तो किसी भाई बंधु को अपने को देखना है तो आप यूट्यूब पर देख सकते हो, इस पर हम रेगुलर रहेंगे अब से। और बाकी आप शरीर पर ध्यान देंगे, शरीर का काम हो गया, आप चलते हैं गाड़ी पर ध्यान दे लेते हैं। पर चढ़ गए हैं और आज तो भाई मुझे नहीं लगता धूप निकलने वाली है। सुबह से ऐसा हो रखा है जैसे मनाली में नहीं धुंध पड़ जाती, फॉग से कंडीशन है और अंधेरा हो रखा है बिल्कुल। हल्की हल्की बारिश हो ही रही है, बस काम हो जाए यार अपने सारे। यहाँ से और 1.5 घंटा लगेगा अपने को, बाकी सब बढ़िया है। ये अलाइनमेंट की वजह से इतना परेशान हो गया ना मैं, इसको देख देख के इतना। अब देख रहे हो गाड़ी सीधी चल रही है, स्टेयरिंग टेढ़ा चल रहा है और गाड़ी लेफ्ट को खींच रही है। ये सारी चीज़ अब तक परफेक्ट नहीं हो जाती है ना यार, मज़ा नहीं आता गाड़ी चलाने का। अपने को गाड़ी चाहिए बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट। A few moments later. सो फाइनली भाई 1 घंटा पूरा लगा अपने को अलाइनमेंट की सेटिंग करवाने में। 9:30 बजे मैं पहुंचा था, शॉप खुली थी 9:30 बजे। 10:36 हो गए यहाँ पर। भाई पवन नाम से है भाई जिसको काम आता है, और किसी को सही में दिक्कत हो ना अलाइनमेंट की तो यहाँ आ जाना स्टैंडर्ड टायर, मैं का एड्रेस डाल दूंगा। और पवन भाई, स्पेसिफिकली पवन, और किसी का मुझे नहीं पता क्या काम है नहीं है, पवन भाई के पास आ जाओगे ये जरूर सेटिंग बिठाते हैं गाड़ी की। मेरी गाड़ी इतनी लेफ्ट भाग रही थी, 2 ट्राई लगे हमें टेस्ट ड्राइव लेने में, पर भाई फाइनली जिसके लिए आया था वो काम हो गया। अब सेटिस्फेक्शन है, ना गाड़ी लेफ्ट भाग रही ना राइट भाग रही, स्टेयरिंग के अलाइनमेंट भी परफेक्ट। पसंद का काम हो जाता है ना यार तो संतुष्टि मिल जाती है, और कुछ नहीं है। पैसे थोड़े बहुत और टाइम वेस्ट जो होता है ना वो फिर वर्थ इट लगता है। एक पैसे भी खर्च करे बंदा, टाइम भी लगाए और फिर भी काम ना हो तो फिर लगता है यार मतलब जरा दिन खराब हो गया जरा। बाकी देखो भाई एक सपना यहाँ भी खड़ा है, कभी देखो पूरा होगा तो जरूर लेंगे। यहाँ किसी मंत्री का घर है भाई, उसकी बैक साइड पे है ये वर्कशॉप। मैं एड्रेस डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, किसी को भी अलाइनमेंट की दिक्कत हो भाई स्टैंडर्ड टायर पवन, मजा आ जाएगा यहीं आना भाई। इस मजाक सेट के मैंने बहुत जगह धक्के खा लिए इन टायरों के साथ, अलाइनमेंट हर कोई कर नहीं पाता है। सो फिल्टर ले लिया भाई BMC का, घर चल के इसको फिट करते हैं गाड़ी में, खुद ही कर लेंगे, कोई इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सब घर चल के आपको बताता हूँ क्या फ़ायदे हैं इसके और कैसे क्या फिट करना है एंड क्यों मैंने BMC लिया, और भी ऑप्शंस हैं तो घर चल के बात करते हैं सीधा। भाई पहले ना टाटा इतनी अच्छी गाड़ियाँ बनाता था, जैसे एक ये थी हेक्सा, इसमें ऑल व्हील ड्राइव भी आता था और बहुत ही रफ एंड टफ कार थी, कहीं भी ले जाओ। मतलब अब सफारी भी फ्रंट व्हील ड्राइव बनाने लग गया भाई टाटा,
सवारी की भी ऐसी तैसी कर दी, और एसयूवी जो अच्छी आती थी वो भी बंद कर दी। टाटा आर्या भी आती थी 4x4, वो भी बहुत बढ़िया थी। ये है तो मतलब इनोवा कैटेगरी की एमयूवी, बट ये 4x4 देता था भाई टाटा पहले। अब टाटा को पता नहीं क्या हो गया भाई, फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियां बनाने लग गया है। हैरियर में 2 सीट लगा दी, वो सवारी कर दी। कार एंथुजियास्ट जो लोग थे ना भाई, वो पहले की गाड़ियां इसलिए अभी भी मतलब पसंद आती है लोगों को, क्योंकि पुरानी गाड़ियों में भाई कुछ बात थी। अब वाली नई गाड़ियां यार मतलब तो ये BS6 BS7 में आने लग रहा है भाई अब तो, उसमें तो बिल्कुल ही गला घोट देंगे गाड़ियों का। BS4 तक ठीक था, जैसे मेरी फॉर्चूनर BS4 है, इसमें कोई एड ब्लू नहीं है ना DPF वगैरह है। अब जैसे जैसे ये पॉल्यूशन के नॉर्म्स बढ़ते रहेंगे, ये गाड़ियों का गला और घोटते रहेंगे। पर किसी को सेकेंड हैंड गाड़ी लेनी है ना, तो भाई ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। सर्विस और पार्ट्स का मुझे आइडिया नहीं है इसका, बट गाड़ी दमदार दी है, और मतलब मैं पर्सनली भी मैं लेना चाहूँगा, अगर मेरे को भी मिलेगी सेकेंड हैंड में, मैं कलेक्शन में ऐड करना पसंद करूँगा। द नेक्स्ट डे, सो ये वीडियो कल की कंटिन्यूएशन में रहने वाला है। कल हम गुड़गांव से लाए थे अपना BMC एयर फिल्टर, आज अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे। तो भाई करते हैं अपना फिल्टर इंस्टॉल, खोलते हैं पहले गाड़ी का बोनट। तो भाई अच्छी बात ये है, जो फॉर्च्यूनर का एयर फिल्टर बॉक्स है वो मैनुअली मतलब हाथ से ही खोल सकते हैं, उसके लिए कोई नटवट खोलने नहीं पड़ते। जरा पास में लाना कैमरा मैन, ये सिर्फ 4 लॉक होते हैं इसके अंदर, 1, 2, 3, 4। मैनुअली आप इसको यहाँ से खोल के निकाल सकते हो। कुछ गाड़ियों में नट्स होते हैं, उसके लिए आपको स्पेशल कर वो एल की या जो भी उसका बोल्ट साइज होता है ना वो वाला डालना पड़ता है। 4 क्लिक में ये बड़ा इजीली निकल जाता है। तो ये है अपना स्टॉक एयर फिल्टर, ये सेम फिल्टर है जो हमने लद्दाख ट्रिप पे यूज़ करा था। इसको एक बार आने के बाद क्लीन करवाया, 2-3 बार मैंने वहाँ भी करा था, बट देख सकते हो उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो पास से बहुत मिट्टी है इसके ऊपर, अगर आ इधर पास में देख सकते हो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। ये सख्त ज़रूरत है इसको बदलने की, इतनी दुनिया भर की मिट्टी इसमें से अभी भी निकल रही है। अंदर चेक कर लेते हैं, अंदर मिट्टी नहीं है, साफ है। बाकी एक बार फिर थोड़ा गीला कपड़ा या थोड़ा इसको तेज ब्लोअर वगैरह मार के एक बार फिल्टर बॉक्स को भी साफ कर लेते हैं। तो मैंने एक बार अंदर से भी अच्छे से कपड़ा वगैरह मार दिया है। ये इसका सेंसर होता है ऊपर, और यहाँ से इसका ये डक्ट जा रहा है जो बाहर से हवा सक करता है। फ्यूचर प्लान अपना भाई इसमें स्नॉर्कल लगाने का भी है, तो यहाँ से स्नॉर्कल आता है, यहाँ पे कटिंग रहती है उसकी, इधर से फिर वो पाइप कनेक्ट होती है एयर फिल्टर में। तो हम स्नॉर्कल भी ऐड करेंगे हम इसके अंदर बहुत जल्द। बाकी अंदर से साफ हो गया, अब हम लगाते हैं हम अपना BMC का एयर फिल्टर। तो हमने इसका ये अनरैप कर लिया है, साथ में एक ये कुछ पैम्पलेट आते हैं, कुछ स्टिकर्स भी मिलते हैं भाई। स्टिकर तो हमें पसंद ही है, आपको पता ही गाड़ी में कितने स्टिकर लगा रखे हमने, तो अब ये भी हम लगा देंगे अपनी गाड़ी पर। इस पर लिखा हुआ है लाइफ टाइम एयर फिल्टर है। हाँ जी, तो ये जो फिल्टर रहते हैं ये लाइफ टाइम रहते हैं, मतलब रीयूजेबल रहता है। इसका बेनिफिट ये है, एक बार अब आपने खरीद लिया बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इसी को आप क्लीन करके दोबारा रीयूज कर सकते हो। तो ये फिल्टर हम लगा लेंगे, एक बार ये नोट भी मिलता है साथ में, सबकी जरूरत नहीं है, हमें पता ही है यार क्या काम है इसका। सो ये ऑयल बेस्ड फिल्टर रहता है इसके अंदर ना, ये जो रेड रेड आप देख रहे हो, इसके अंदर ऑयलिंग करी हुई है BMC वालों ने। ये ऑयलिंग हम जब इसको क्लीन करते हैं उसके बाद भी करनी पड़ती है, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स है वो इस ऑयल के अंदर ही मतलब पकड़ में आएंगे। जो नॉर्मल फिल्टर रहता है इसके अंदर कोई ऑयल नहीं आता है, ये बिल्कुल ड्राई रहता है।
कुछ कंडीशंस में नॉर्मल फिल्टर ज़्यादा बेटर रहता है, बट अगर आप कार की परफॉर्मेंस बूस्ट करना चाह रहे हो, अगर रीमैप का प्लान कर रहे हो, एग्जॉस्ट चेंज करने का प्लान कर रहे हो, तो आपको BMC या K&N पर आप जा सकते हो। मुझे BMC पर्सनली पसंद था तो इसलिए मैंने लिया, आप K&N भी ले सकते हो, दोनों की सिमिलर ही परफॉर्मेंस रहती है। और ये स्टॉक रिप्लेसमेंट फिल्टर है, इसमें कोई ऑल्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसे बॉक्स में जाएगा और फिट हो जाएगा। इसमें भी दो तीन तरह के डिफरेंट तरह के फिल्टर आते हैं, एक आता है कोनिकल वाला जो अलग से आउट ऑफ द बॉक्स लगता है, बट वो हमारी वेदर कंडीशन के हिसाब से सही नहीं होंगे, यहाँ पे मतलब डस्ट ज़्यादा उड़ती है, तो जिन कंट्रीज़ में डस्ट वगैरह का दिक्कत नहीं है वो लगा सकते हैं। एक अलग से बॉक्स वाला भी आता है जो स्टॉक फिल्टर की जगह नहीं होता, उसको आप रीअलोकेट करके लगाना पड़ता है वो, बट हमें वो सब नहीं करना था तो मैंने स्टॉक वाला रिप्लेसमेंट वाला लिया। चलिए ज़रा इसे फिट करते हैं। सकते हो आप बिल्कुल परफेक्ट 00 फिट है इसकी, कोई भी इसमें मतलब ऑल्ट्रेशन करने की जरूरत अपने को पड़ी नहीं है, एग्जैक्टली ये अपने बॉक्स के अंदर जा चुका है। तो सेफली भाई हम इसके चारों जो नट्स हैं वो इसकी जगह पे फिट कर देंगे। तो भाई हार्डली 5 मिनट का भी काम नहीं था, ये घर पे ही आप कर सकते हो, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब गाड़ी को एक बार स्टार्ट करके आइडल करेंगे और फिर उसके बाद टेस्टिंग पे चलते हैं, देखते हैं कुछ फील अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। खाली फिल्टर चेंज करने से आपकी कोई पावर एज सच बंप नहीं होगी, बट जब हम इसका एग्जॉस्ट चेंज करेंगे और रीमैप करेंगे उसके बाद काफ़ी हमें बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। तो एक बार गाड़ी स्टार्ट करते हैं और आपको फिर बताता हूँ कैसे क्या रहता है। तो फिल्टर इंस्टॉल के बाद सबसे ज़रूरी काम भाई स्टीकर लगा दिया हमने, ताकि कोई भी मैकेनिक खोले उसे भी पता हो, और इस पर लिखा भी हुआ है डिस्कार्ड नहीं करना है, ये लाइफ टाइम एयर फिल्टर है, रीयूजेबल है। अब करते हैं भाई गाड़ी को स्टार्ट। ये फिल्टर ये स्टिकर हम लगाएंगे बैक साइड पर, कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसका स्टिकर मिलता है, बढ़िया लगता है मेरे को। तो मेरी गाड़ी भरी पड़ी है स्टिकर से, लोग पूछते हैं कहाँ से आते हैं स्टिकर। आप ज़्यादा सामान तो यार मैंने लगवाया हुआ है गाड़ी में, उसी के साथ मिल जाता है, कुछ मेरे को पसंद है तो इसको भी हम यहीं कहीं एडजस्ट कर देंगे। सो करते हैं गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट। मतलब पहला स्टार्ट किया मैंने पूरे दिन से अभी तक, तो थोड़ी गर्म हो जाती है, तो एक बार एक स्पिन पे चलेंगे लेके भाई। रीजन बहुत लोग के मेरे पास DM भी आए थे इंस्टाग्राम पे जब मैंने स्टोरी डाली BMC की, आपने BMC ही क्यों लिया, ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था। K&N भी इक्वली अच्छा है भाई, अगर किसी का मन K&N लेने का, इनफैक्ट K&N एयर फिल्टर BMC से सस्ता भी पड़ता है जहां तक मुझे पता है। इसकी कॉस्टिंग यार डिपेंड करता है, अलग अलग जगह अलग अलग प्राइसेस है, लमसम आप 7,500 से 8,500 रुपये लेके चले, फॉर्चूनर का तो इतने का ही है रेट, बाकी हर गाड़ी का अलग फिल्टर आता है। स्टॉक रिप्लेसमेंट फिल्टर का फायदा ये है, इसके लिए कोई ऑल्ट्रेशन नहीं करनी है, डायरेक्ट आपके एयर फिल्टर बॉक्स में ही लग जाएगा उसी साइज में। अगर आप कोनिकल वाले में जाते हो उसके लिए आपको वो भार लगेगा, प्लस वो गंदा ही बहुत जल्दी होगा। इसकी मेंटेनेंस भाई बहुत ईजी है, मैं जब करूँगा नेक्स्ट टाइम, आज मैं अपने किलोमीटर नोट कर लूंगा, 10,000 किलोमीटर में से सर्विस करवाते हैं, हर सर्विस इंटरवल पे क्लीन करना है। पहले भी कर सकते हैं अगर कोई ज्यादा ऑफ रोडिंग करता है, उनको पता ही होगा एयर फिल्टर की क्या हालत हो जाती है। हम जब अभी जंस्कार ले गए उसी में इतनी मिट्टी पकड़ ली थी फिल्टर ने, मैंने अपनी वीडियोस में दिखाया भी। सो ये मुझे वैसे तो ट्रिप से पहले लेके जाना था, बट ठीक है मेरा ट्रिप भी हो गया है और अब मेरी गाड़ी को जरूरत भी थी एयर फिल्टर चेंज की। सो अब लेट्स सी नेक्स्ट प्लान भाई अपना है, इसमें स्नॉर्कल भी ऐड करना है, एग्जॉस्ट भी चेंज करने का मूड है मेरा, मैं डी कैट करने का सोच रहा हूँ गाड़ी को, और स्ट्रेट पाइप डालेंगे इसके अंदर और ECU रीमैप भी करेंगे अपनी गाड़ी का, देन हमारी गाड़ी भाई Stage 2 तक चली जाएगी। और लेट्स सी कैसा क्या पावर में रिस्पांस में फ़र्क रहता है, तो भी चलते हैं एक बार गाड़ी को थोड़ा रेव करके भी देखते हैं, क्योंकि एयर फिल्टर चेंज करने थोड़ी आवाज़ भी चेंज होती है गाड़ी, देखता हूँ डीजल कार में कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है। सो चलते हैं स्पिन मार के आते हैं। सरप्राइजिंगली थोड़ी डिफरेंट सी साउंड आ रही है गाड़ी में से, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जैसे डेली आती है वैसी नहीं आ रही है,
चलते हैं, थोड़ा स्पिन लेके आते हैं तभी पता चलेगा। एयर फिल्टर भाई बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है गाड़ी का, मेक श्योर आप आपका एयर फिल्टर टाइम टू टाइम साफ करते हैं एंड अच्छा एयर फिल्टर यूज कर रहे हैं। जो कंपनी से आता है भाई वो भी बढ़िया होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हाँ एडिशनल परफॉर्मेंस अपग्रेड आप चाहते हैं या आपको मतलब थोड़ा चाहिए अपनी गाड़ी को एक्स्ट्रा पैम्परिंग, देन आप ये ऑयल बेस्ड परफॉर्मेंस फिल्टर पे जा सकते हैं। अब मतलब अब ये बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लाइफ टाइम हम ये यूज कर सकते हैं जैसा ये क्लेम करते हैं। सो लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है इसके साथ। तो भाई गाड़ी फुली तरीके से अपने ऑप्टिमल टेम्परेचर पे आ चुकी है एंड ईसीयू ने अगर कुछ चेंजेस भी रीड करने होंगे अब तक कर लिए होंगे, काफ़ी देर से मतलब स्टार्ट है कार, तो अब हम इसको थोड़ा चला के देखते हैं एंड लेट्स सी कुछ डिफरेंस फील होता है क्या नहीं होता है। थोड़ी कार लाइट फील हो रही है मेरे को, लाइट एज इन मतलब फ्रेश फिल्टर डाला है तो मतलब ना अच्छे से सांस ले पा रही है, नेचुरली इंजन में हवा अच्छे से जा रही है, चोक नहीं है कुछ भी। पुराने वाला फिल्टर चोक हो चुका था लंबा ट्रिप पर क्या हुआ था, ज़्यादा कुछ ऐसे आपको कुछ वो पावर का फ़र्क नहीं लगेगा। कभी कुछ सोचता हो एयर फिल्टर डालने से आपके पता नहीं कितने हॉर्स पावर बढ़ जाएंगे, सिर्फ एयर फिल्टर से नहीं बढ़ते भाई, बहुत चीज़ें और चेंज करनी पड़ती हैं, हम करेंगे धीरे धीरे तो आपको समझाऊंगा मैं, बट ये एक मतलब मैंडेटरी चीज़ है एयर फिल्टर भी, मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका, आपको चेंज कर लेना चाहिए। और भाई बहुत जल्द हम अपनी पुरानी एंडेवर पे भी काम शुरू करने वाले हैं, बहुत दिन से भाई लोग कह रहे हैं आप एंडेवर दिखाते नहीं हो, ओल्ड एंडेवर भूल गए हो, भूल नहीं गया भाई, उसमें भी भाई बहुत खर्चा मांग रही है, वो बूढ़ी होगी है ना तो उसका सस्पेंशन का काफ़ी काम आया हुआ है उसके अंदर, मैं वही फिगर आउट कर रहा हूँ कुछ दिनों में उसका क्या करना है, क्योंकि ऐसे चलाने में यार मज़ा नहीं आता गाड़ी के अंदर ना, जब उसके पार्ट्स पता हों कि भाई चेंज करने के लिए ये मांग रही है गाड़ी, आवाज़ें आ रही है नीचे से इधर उधर, चलाएंगे तो उसे भी जब रखेंगे तो तमीज़ से रखेंगे भाई, ऐसे उसे मरने नहीं देंगे, तो उसके अंदर भी काफ़ी कुछ चेंजेस अभी होने हैं। ऑल्सो भाई अपने भाई हैं चंडीगढ़ वाले जिनकी मैंने एंडेवर फीचर करी थी चैनल पे, उनकी भी वर्कशॉप बहुत जल्द खुलने वाली है, तो उनके साथ भी काफ़ी कुछ प्लान है अपना, जैसी वर्कशॉप खुलती है आपको उनकी वर्कशॉप भी दिखाएंगे, और गाड़ियों से रिलेटेड इतना कंटेंट आने वाला है ना आने वाले कुछ महीनों में, दिल खुश हो जाएगा, तो बने रहना चैनल पे एंड अगर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना, पुराने हो तो यार थोड़ा अटेंडेंस लगाओ, एक्टिव हो जाओ, कमेंट वमेंट करो, आपके लिए बहुत कुछ प्लान्ड है। इसी के साथ वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो में क्या आता है।